नमस्कार दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक यानी कि पोस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो वैकेंसी आई है उसमें क्वालिफिकेशन क्या होगा, सैलरी कितनी होगी, कास्ट वाइज कितनी वैकेंसी है या फिर टोटल कितनी वैकेंसी है, आपको सिर्फ अपने परसेंटेज के बेस पे यानी कि 10th यानी कि 10 पास के जो परसेंटेज है उसी के बेस पे आपको पोस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जॉब मिलने वाली है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिसके ज़्यादा परसेंटेज होगी उसी को इस जॉब में चांस मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रामीण डाक सेवक के अंदर जो वैकेंसी उसमें अप्लाई कैसे करना है, तो आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि दो वैकेंसी अलग अलग टाइप की है उसमें आप देख सकते हो। और उसके पहले आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करना है या फिर उसके बारे में आपको अप्लाई कब करना है दोस्तों, अप्लाई कब करना है उसके बारे में आप यहां पर देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट आपको यहां पर दी है, आप यहां पर डेट देख सकते हो, लास्ट डेट कब है वो भी देख सकते हो, यानी कि जो आपने फॉर्म फिलअप किया है उसको एडिट भी कर सकते हो इस डेट के बीच में दोस्तों। नेक्स्ट है आपको पोस्ट मास्टर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ब्रांच है ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो वैकेंसी उसमें जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। और दूसरा दोस्तों असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की प्रोफाइल क्या है यानी कि आपको क्या जॉब में क्या करना पड़ेगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो जॉब है उसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी दोस्तों, ये सैलरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको BPM और ABPM डार्क सेवक की जो वैकेंसी उसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो वो आप सैलरी भी 39,000 प्लस आपको सैलरी मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों एज क्राइटेरिया क्या होगा यानी कि मिनिमम एज कितनी होगी, तो वो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो। परमिसिबल एज रिलैक्सेशन यानी कि अगर कास्ट वाइज आप आते हो तो आपको कितनी एज में रिलैक्सेशन यानी कि छूट मिलेगी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा दोस्तों, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग या फिर आपको लोकल लैंग्वेज भी आपको दोस्तों आनी चाहिए, आप यहां पर देख सकते हो। उसके लिए जो क्राइटेरिया यानी कि जो हैंडीकैप है उसके लिए क्या क्राइटेरिया वो भी आप यहां पर देख सकते हो, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा वो भी आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों। आपको परसेंटेज अगर ग्रेड में है तो आपको कितने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आप यहां पे देख सकते हो और ग्रेड पॉइंट भी आप यहां पर देख सकते हो, वो भी A1 A2 से लेकर D तक आपको कितने परसेंटेज होगा तो उसको किस बेज में मल्टीप्लाई करना है यानी कि किस बेज में होगा वो भी आप यहां पर देख सकते हो, ग्रेड पॉइंट और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों आपको फॉर्म फिलअप करने की जो प्रोसेस है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, कितने डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, इतने सारे डॉक्यूमेंट है दोस्तों ये तो आपको पास होंगे ही, तो ये डॉक्यूमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। और दोस्तों जो और जानकारी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, उसकी पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपको ये देखो ये फॉर्म है उसको कैसे फिलअप करना है वो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। अगर इस टाइप की PDF फाइल आपको डाउनलोड करना है तो सबसे पहले आपको इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इस टाइप के PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि कितनी वैकेंसी कास्ट वाइज यानी कास्ट वाइज कितनी वैकेंसी है वो भी आपको अब बताने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहले एग्ज़ाम फी की बात करें तो एग्ज़ाम फी कितनी रहेगी, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो एग्ज़ाम फी कितनी रहेगी, क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख सकते हो कास्ट वाइज। फ़ोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रोसेस भी आपको यहाँ पे दिखाई है दोस्तों। आप जो भी स्टेट से आते हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए दोस्तों, तभी आप यहाँ पे जॉब मिल सकती है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लागू होंगे यानी कि आपके पास होने चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए दोस्तों। अब मैं दिखाने वाला हूँ कास्ट वाइज कितनी वैकेंसी यानी कि पूरे इंडिया में कास्ट यानी कि स्टेट वाइज कितनी है और उसमें स्टेट में भी कास्ट वाइज कितनी वैकेंसी है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ
दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि कास्ट वाइज कितनी वैकेंसी, यानी कि पूरे इंडिया में कास्ट वाइज कितनी वैकेंसी, यानी सर्कल, लैंग्वेज, नेम और टोटल वैकेंसी कितनी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। यू आर ओ बी सी, एस टी एस टी, ई डब्ल्यू एस, फिजिकल हैंडीकैप का जो अलग अलग टाइप है ए बी सी डी, उसी बेस पे आपको अलग अलग वैकेंसी मिल जाएगी। उसमें आप स्टेट भी देख सकते हो। स्टेट के सामने दोस्तों आपको लैंग्वेज, यानी कि जिस भी स्टेट में रहते हो वहाँ की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए दोस्तों। तो ये थी दोस्तों पोस्ट डिपार्टमेंट, बिना कोई एग्ज़ाम दिए सिर्फ आपको अपने परसेंटेज के बेस पे जॉब मिलेगी। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।